एडवाइस पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास एमीटर। मैं लिख देता हूं एमीटर। तो एमीटर क्या है? दिस इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट को मेजर करती है, करंट मेजरिंग डिवाइस, उसे हम क्या बोलते हैं? एमीटर। तो एमीटर ये जरा शॉर्ट नेम हमने इसका बना लिया है, एक्चुअली पूरा नाम है एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का यूनिट है। तो एम्पेयर मीटर का मतलब एक ऐसा मीटर, एक ऐसी डिवाइस जो कि किसको मेजर कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है, उसे हम कहते हैं एम्पेयर मीटर, या शॉर्ट में हम उसको जो नाम दिया है वो नाम दिया है एमीटर का। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टर लगा देते हैं, ओके, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं, जिसको हम लिखते हैं आरएस, यानी इसका नाम है शंट रेजिस्टर। इसे कहते हैं शंट रेजिस्टर। तो अब जो चीज हमारे पास बनती है इसको हम कहते हैं एमीटर। दिस इज कॉल्ड एमीटर, राइट? सो एमीटर कैसे हम बनाते हैं? कंस्ट्रक्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर लगाना है, बहुत स्मॉल वैल्यू का। यानी अगर आप एमीटर खोल के देखें तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर नहीं, बल्कि आपको कॉपर का कोई वायर नजर आएगा, यानी एक कंडक्टर वहां पे लगाया हुआ है। तो कॉपर की वायर की अपनी एक इनहेरेंट रेजिस्टेंस होती है, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो वो इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस को हम यूज कर रहे होते हैं। तो शंट इज अ वेरी 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 स्मॉल रेजिस्टेंस, ओके? और ये किस में लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं हर चीज की एक रेजिस्टेंस होती है, तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम लिख रहे हैं आर जी, और शंट रेजिस्टेंस है हमारे पास आर एस। अब वो एमीटर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि एमीटर यूज हो रहा है करंट को मेजर करने के लिए। तो एमीटर में से क्या गुजर रहा है? आई गुजर रहा है, जिसको एमीटर ने मेजर करना है। करंट गुजर रहा है आई, जिसको एमीटर ने मेजर करना है। ये जो आई है इसको मैंने ये बनाया कि ये वो आई है जिसको एमीटर ने मेजर करना है। लेकिन जैसे ये इस नोड पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो करंट पैरेलल में लगे हुए ना ये दोनों, तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा उसको हम कह रहे हैं आई जी, गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट। वो करंट जो कि शंट में से गुजरेगा उसे हम कह रहे हैं आई एस। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आई करंट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कौन सा? आई जी प्लस आई एस। तो अगर मैं आई एस की वैल्यू निकालूं, आई जी प्लस से मान कर क्या हो जाएगा? माइनस। तो आई माइनस आई जी किसके इक्वल आया? आई एस के इक्वल आया, ओके? ये मेरा ख्याल यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। डेरिवेशन में हम ये कह रहे हैं कि देखिए गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्या जो वोल्टेजेस गैल्वेनोमीटर के हैं वही वोल्टेजेस शंट के होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो जो वोल्टेजेस गैल्वेनोमीटर के हैं वही वोल्टेजेस किसके हैं? शंट के। हम जानते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेजेस किसके बराबर होता है? आई आर। तो गैल्वेनोमीटर का तो करंट भी गैल्वेनोमीटर का, रेजिस्टेंस भी गैल्वेनोमीटर की, और ये शंट के वोल्टेजेस हैं, वी हम जानते हैं किसके बराबर होता है? आई आर। तो ये करंट भी शंट का होगा, ये रेजिस्टेंस भी शंट की होगी, ओके? तो अगर मुझे आर एस की वैल्यू मालूम करनी है शंट की, तो आई एस मल्टीप्लाई होगा, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो दिस इंप्लाइज दैट आर एस मेरे पास क्या आ गया? आई जी। आर जी से डिवाइड हो रहा है कौन? आई एस, राइट? और इसको फिर हम लोग यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, कि ये हो गया हमारे पास आई जी डिवाइडेड बाय आई एस। अब आई एस किसके बराबर है? आई माइनस आई जी के। तो हम इसको लिखते हैं आई माइनस आई जी, और बाहर हमारे पास क्या चल रहा है? आर जी। तो आर जी और आई जी अभी भी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको इस तरीके से लिखने का मकसद यह है कि इस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर सारी चीजें क्या लिखी हुई है? करंट लिखा हुआ है, और ये किसकी वैल्यू? रेजिस्टेंस की। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला हमने बताया? ये हमने बनाया है फॉर्मूला शंट रेजिस्टेंस का, फॉर्मूला बनाया है।
कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर बना, अगर हमें एक एम मीटर बनाना है तो उस एम मीटर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाएंगे। तो जिस तरह का हम लोगों ने एम मीटर बनाना है उस तरह की शंट रेजिस्टेंस लगेगी। अब मेरी सारी बात का मतलब क्या है जरा समझ लो, ये सारी बात न्यूमेरिकल में काम आएगी। वो क्या है, वो ये है कि हमें वो कहेगा कि जी एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस वो हमें बता देगा, ये किसकी वैल्यू होगी, आर जी की। फिर वो बोलेगा उस गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट गुजर रहा है जिससे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ये वर्ड बहुत अहम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जिस करंट की वैल्यू पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा वो होता है आईजी, ये आईजी होता है। ओके, फिर वो बोलेगा अब चूंकि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टर लगाया है तो क्यों हमारे पास क्या बन गया, एमीटर बन गया। तो वो बोल रहा है जो एमीटर है उस एमीटर की रेंज मुझे चाहिए 10 एम्पीयर, या वो बोल देंगे जी जो एमीटर बनना चाहिए उसकी रेंज मुझे चाहिए 25 एम्पीयर। तो जो रेंज ऑफ द एमीटर है वो जो करंट है वो है आई। तो अगर वो बोले 10 एम्पीयर का एमीटर बनाओ तो आई की वैल्यू 10 एम्पीयर, अगर वो बोले मुझे 25 एम्पीयर का एमीटर चाहिए तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो आई बेसिकली रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ द कंस्ट्रक्टेड एमीटर, आईजी रिप्रेजेंट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड इन दिस वैल्यू ऑफ द करंट गैल्वेनोमीटर शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बहुत अहम वर्ड है। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस सीधा सीधा आरजी होगी। तो उसके लिए फिर हमें जिस रेंज का एमीटर है उसके लिए आरएस की वैल्यू क्या होगी, बस ये तमाम वैल्यूज यहां पुट करेंगे, आरएस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं कि इसमें जो आईजी है ये हमारे पास है, दिस इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हिच शोस, जो हमें क्या शो करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। न्यूमेरिकल के लिए बहुत अहम वर्ड है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आईजी, सीधी सी बात है। फिर हम इसमें हमारे पास आई क्या है, आई है हमारे पास दैट इज द करंट फॉर द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर किस रेंज का हमने बनाना है, एमीटर किस वैल्यू का एमीटर बनाना है, किस रेंज का, वो जो करंट यानी एमीटर 25 एम्पीयर का बनाना है तो 25 एम्पीयर करंट है ना, वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आरजी। मेरा ख्याल है यहां तक अब ये न्यूमेरिकल के हवाले से भी क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो हमारे पास बन गया एमीटर। एमीटर को यूज कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है हमने एमीटर को से क्या चीज मेजर करनी है, करंट। तो करंट हमने जो जो भी चीज मेजर करनी है वो सारा का सारा एमीटर में से गुजरना चाहिए, तभी तो एमीटर उसको मेजर करेगा ना। अगर एक चीज सारी की सारी एक करंट, मतलब करंट सीधी बात कर लेते हैं, अगर हमने क्योंकि एमीटर से करंट मेजर करना है तो सर्किट जहां भी करंट मेजर करना है वो सारा का सारा करंट एमीटर में से गुजरना चाहिए, तभी एमीटर उसको मेजर करेगा। तो एमीटर किस तरीके से यूज होगा, अगर सारा का सारा करंट एमीटर से गुजरना चाहिए, सीरीज में यूज होगा। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है, दैट इज वाई वी यूज एमीटर इन सीरीज। ओके, सो कैसे यूज करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर ये एक बल्ब है मेरे पास और इस बल्ब को मैंने कनेक्ट किया हुआ है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ओके, यहां पर तो मैंने इसमें से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, तो मैंने यहां पर लगा दूंगा एमीटर। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं अगर इसके बाद लगा दें, यस यहां पर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस बल्ब से पहले लगा दें या बाद में लगा दें, लेकिन उसके साथ सीरीज में लगा होना चाहिए, तभी कितना करंट बल्ब में गुजर रहा है वही करंट हमें कौन बताएगा, एमीटर। अच्छा, यहां एक टेक्निकल सवाल है, वो टेक्निकल सवाल ये है कि जब हमने कंस्ट्रक्शन किए वो कंस्ट्रक्शन बड़ी अजीब सी बात बता रही है, वो ये है कि जो करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, आई जी जो गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है और आई एस जो कि शंट में से गुजर के बायपास हो गया, जाया हो गया एक्चुअली। तो जो एक्चुअल करंट है जो हमने मेजर करना था वो तो आई था, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर में से गुजरा वो तो आई जी है। तो गैल्वेनोमीटर आई जी के ऊपर जो डिफ्लेक्शन देगा क्या वो आई की के प्रोपोर्शनल होगा, क्या वो जो डिफ्लेक्शन है वो करंट आई के लिए है या आई जी के लिए, दी आंसर इज आई जी के लिए है। अगर वो आई जी के लिए है तो फिर हमने आई कैसे मेजर किया, करंट आई को कैसे मेजर किया, दिस इज
ये वो जगह है जिस जगह के लिए मैंने आपसे कहा था कैलिब्रेशन, याद है वर्ड कैलिब्रेशन। तो हम अपने डिवाइस को समझाते हैं कि इतने करंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन दोगे वो बेसिकली इसके प्रोपोर्शनल होगा, याद रखिएगा ये बात। हम कैलिब्रेट करते हैं अपने डिवाइस को। तो दूसरा सवाल ये कि फिर हमने इतना सारा करंट यहां से जाया क्यों करवाया, वो सारा का सारा करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो करवा देते हैं। इस सवाल का जवाब ये है, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस और उसकी क्वाइल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत नाजुक होती है। तो अगर ये करंट गैल्वेनोमीटर में से गुजर गया तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर हमने पैरेलल में शंट लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट बायपास हो जाए, बस मामूली सा करंट इसमें से गुजरे। बाकी हम कैलिब्रेशन के जरिए इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं कि जो भी आईजी है वो आईजी से जो डिफ्लेक्शन होगी वो बेसिकली किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, आई की वैल्यू को। प्लीज बी केयरफुल। ओके, सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यहां तक ये एम मीटर हमारा कंप्लीट हो गया। अगले डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर।